और चले बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रयासों से आज से जयपुर से श्रीगंगानगर के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है। सीएम राजू ने स्टेट हैंगर से 9 सीटर विमान को हरी झंडी दिखाकर श्रीगंगानगर के लिए रवाना किया। अब कल से जयपुर से श्रीगंगानगर के लिए रोज 2 फ्लाइट चलेंगी, जो सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे रवाना होंगी। वहीं श्रीगंगानगर से जयपुर के लिए सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे फ्लाइट मिलेगी और इसके लिए सरकार ने सुप्रीम एयरलाइंस के साथ टाई अप किया है। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर रामप्रताप, अरुण चतुर्वेदी, सांसद रामचरण बोहरा, भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, सह संगठन मंत्री वी सतीश, प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी और मुख्य सचिव डीबी गुप्ता भी मौजूद रहे। तो बहुत अहम कह सकते हैं श्रीगंगानगर के लोगों के लिए आज का दिन रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुद वहां पर हरी झंडी इस प्रोजेक्ट को दिखाई और जाहिर तौर पर इससे पहले भी विजनरी प्रोजेक्ट इस तरह के रहे हैं, जब दूसरे शहरों को राजधानी से जोड़ने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे। इससे पहले किशनगढ़ को भी जोड़ा गया और इसलिए क्योंकि जयपुर की जब हम बात करते हैं तो जयपुर कई नेशनल और साथ ही साथ इंटरनेशनल भी जयपुर एयरपोर्ट जो है उससे जुड़ा हुआ है, तो जो लोग जाना चाहते हैं उनको वक्त वहां पर जाया नहीं करना पड़ेगा, सीधे वो फ्लाइट के जरिए राजधानी पहुंचेंगे और उसके बाद जहां उनको जाना होगा तो इजीली उनके लिए ये अवेलेबल होगा। स्टेज में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इससे लोगों को अपने गंतव्य पर पहुँचने के लिए टाइम की भी बचत होगी और आगमन में भी सुविधा होगी। देखिए, हम सबके प्रसन्नता की बात है, राजस्थान पर्यटन के नाते से बड़ा हॉट डेस्टिनेशन है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूरिस्टों के लिए, और मुख्यमंत्री जी के प्रयास से एक एक करके जिले जुड़ते गए। पहले किशनगढ़ जुड़ा, उदयपुर जुड़ा, जोधपुर जुड़ा, बीकानेर जुड़ा, जैसलमेर जुड़ा, उसी कड़ी में एक और जिला आज गंगानगर जुड़ना जा रहा है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम है और इसके माध्यम से निश्चित रूप से राजस्थान का टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट है।